राजकुमारी नीलम की गजब कहानियाँ। देखो पूरी रात किताब मत पढ़ना, अच्छे से सो जाना। हाँ, राजकुमारी नीलम के हथियार। राजकुमारी इंदुमती, वो भी अकेले। मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। बना दो मुझे हट्टा कट्टा लड़का। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं दो दिन से भूखा हूँ, पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिम जिम हुआ, चिम चुम हुआ, बना दे मुझे राजकुमारी और उसको कौवा। कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और अगर कल का सूरज डूबने से पहले तुम ये जादू तोड़ नहीं पाओगी तो तुम बन जाओगी हमेशा के लिए कौवा। आप बिना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा तो सब मेरी गलती है? नहीं, छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे। तो चलो हम भी चलते हैं साथ में। चाहिए पिताजी। क्या इंदु? भीम की गिरफ्तारी। हाँ? ये देखो मेरी चूड़ी, भीम चोर है। राजकुमारी मैंने चोरी नहीं की। उसे गिरफ्तार कर लो। भीम भागो। के पास भी नहीं आ सकेगा, और इंदु तुम पिंजरे में से कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे पता है तुम मेरी दोस्त हो। क्या कर रहे हो भीम? हाँ तो तुम हो, तो फिर ये राजकुमारी आप? ये राज किसी को पता नहीं चलने वाला। ये क्या हो रहा है? और भी बच्चे कौवे बनने के लिए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें हमारा जादू दिखाते हैं। तुम मुझसे बच नहीं सकते। क्या हुआ?
चली थी एक साहसी राजकुमारी, लेकिन सब गड़बड़ कर दी। राजकुमारी, तुम साहसी ही नहीं एक सच्ची दोस्त भी हो। हाँ, तुमने ही तो मुझे सैनिकों से बचाया था और जादूगरनी को अपने अंदाज में सबक सिखाया। सच? केले की कसम। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी बो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के, मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भी मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। बन गए। जग्गू लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंग? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। ये क्या हो रहा है? Yeah!
चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना। तुम्हारा असली मनोरंजन। बाकी सब है ना संभालने के लिए। थक गया। अकेले अकेले। लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? आपको नाचना पसंद है? हाँ। क्या आपको नाचना पसंद है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं? हाँ। तो फिर अब भी खड़े खड़े ये रेडियो अनाउंसमेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और जल्दी से डांस कॉम्पिटिशन के लिए रजिस्टर करो। की टीम है भीम और चुटकी की टीम। राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ी आई है, वो देखने चले। हाँ, चले 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 चले।
इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चप्पड़ चप्पड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो, जाओ। पहलवान खुद को कहते हैं पर सारी कसरत हमसे कराते हैं। कुछ कहा तुमने? ये देख ढोलू, ये टुकड़ा तो बिल्कुल उस्ताद के चेहरे जैसा दिखता है और ये तो एकदम उनके पेट जैसा। अब चाहिए तो सिर्फ पैर। पहियों से काम चला लेंगे। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यही बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लो, बन गया भीम का बैंड और उस्ताद का भी। इसे कहेंगे हम ढोलकपुर बैंड। हो जाए शुरू दोस्तों। महाराज से मिलना था और रास्ता बंद था। तुमने मेरी मदद की। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कृपा करके इस भेंट को स्वीकार करें। मेरा एक मित्र है जिन्हें ऐसी ही एक परेशानी है। मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। ये इन दोनों के गाने की सिफारिश करेंगे? पहाड़ तोड़ स्टार्स, कल तक हम इनके गाने का मजाक उड़ा रहे थे और अब देखो कितने मशहूर हो गए हैं। ना अच्छा है, मैं ढोलू भोलू के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, मैंने सुना है कि ढोलू भोलू की वजह से राजा महाराजाओं ने पहाड़ों को तोड़कर सड़क और पुल बनाए हैं। हाँ कालिया, तुम्हें तो अपने दोस्तों की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। हटिए मेरे रास्ते से। अरे कालिया, ढोलू भोलू कहाँ है? वो तो बहुत मशहूर हो गए हैं। उनके पास दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं है। जब से ढोलू भोलू गाने में व्यस्त हो गए हैं, ये कितना दुखी रहता है। चलो इस
उसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर वालों कितना व्यस्त हो गए, उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। धमाके की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़े पहाड़ की वजह से पास के एक राज्य का रास्ता बंद हो गया है। उस राज्य के महाराजा ने हमें उस पहाड़ को तोड़ने का काम दिया है। यो। ये क्या है? संभल के उस्ताद, धमधम के महाराजा ने दिया है हमें ये यंत्र। यो। कालिया फिक्र मत करो, आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। चलो एक बार कोई मुश्किल बात सोच कर देखते हैं। हमारी दुनिया में आसमान नीला नहीं गुलाबी होगा, केक और आइसक्रीम्स लगेंगे, और सबसे जरूरी हमारी दुनिया में हमारे दोस्त भीम, राजू, जग्गू, चुटकी और उस्ताद होंगे। ये कैसी दुनिया है? स्वर्ग नहीं, ये ढोलो भोलो की दुनिया है। खाओ पियो खेलो ऐश करो और नाचते मोर। कल्पना करके मुझे महाबलवान, महावीर, तलवारबाज योद्धा बना दो। और अब एक बहुत बुरा, बहुत बड़ा, खतरनाक दरिंदा ले आओ। चलो करके देखते हैं। अपनी कमर यूं घुमाओ, यूं।
रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम्हें तो मैं मजेदार था। ये रस्सी ही बेकार है, वरना मेरे से अच्छा कलाकार पूरे ढोलकपुर में नहीं मिलेगा। अरे उस्ताद, आपसे अच्छे कलाकार तो हम दोनों हैं। अच्छा, तो फिर दिखाओ अपनी कलाबाजी। हम जग्गू की तरह ये रस्सी वस्सी पर नहीं कूदते। तो फिर क्या कर सकते हो तुम? हम हैं असली कलाकार और हम गाना गाते हैं। गाना तो फिर हमें भी सुनाओ अपना गाना।